वेलकम टू ज्ञान श्री फिजिक्स इस वीडियो में मैं बात करूंगा मीन फ्री पाथ की देखेंगे कोलिजन प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को और उस कंसेप्ट को यूज करके मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला को भी हम लोग देखेंगे मीन फ्री पाथ होता क्या है इसको समझने के लिए एक छोटा सा कार्टून देखिए सपोज कीजिए कि गैसियस सिस्टम है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये रेड मॉलिक्यूल पे आप फोकस कीजिए ये जब मूव कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है राइट right? और दो कोलिजन के बीच में एक सिंपल पाथ ये कवर कर रहा है वही पाथ है फ्री पाथ तो फ्री पाथ क्या है पाथ ट्रावर्स बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी दो कोलिजन के बीच में जो पाथ कवर हुआ है वो सेम नहीं है कहीं ज्यादा है कहीं कम है ठीक है यानी फ्री पाथ जो है वो फिक्स्ड नहीं है दो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन में वो चेंज हो रहा है यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ये फ्री पाथ का एवरेज लेके एक कंसेप्ट डिफाइन कर सकते हैं मीन फ्री पाथ ठीक है तो मीन फ्री पाथ क्या है मीन फ्री पाथ है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन तो यही है मीन फ्री पाथ अब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट चाहिए जो कि है कोलिजन प्रोबेबिलिटी का कोलिजन प्रोबेबिलिटी है क्या इसको समझते हैं सपोज कीजिए कि एक गैसियस सिस्टम है उसमें एन जीरो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओके और ये जो मॉलिक्यूल है वो ट्रेवल कर रहे हैं और आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं जैसे जैसे वो पाथ कवर कर रहे हैं वैसे वैसे आपस में कोलिजन भी कर रहे हैं तो सपोज कीजिए कि किसी एक टाइम पे उन्होंने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिए हैं और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अभी भी कोलिजन लेस है मतलब एन नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में थे आफ्टर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में अभी भी कोलिजन नहीं हुआ है बाकी सब में हो गया है एन नंबर अभी भी बचे हुए हैं अब एज्यूम करते हैं कि ये जो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं लेट से डी एक्स डिस्टेंस उसमें क्या हुआ कि डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हो गए कोलिजन कर लिए यानी Dx और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक्स तो ट्रेवल कर ही चुके थे साथ में और डीएक्स ट्रेवल करने के बाद dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर गए तो dn क्या हो जाएगा हमें पता है dn प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एट द सेम टाइम dx जितना ज्यादा होगा कोलिजन के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि कोलिजन होगा सो so, डीएन जो है प्रोपोर्शनल टू डीएक्स होगा तो अगर इस दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा डी एन इज इक्वल टू माइनस पीसी एन डी एक्स पीसी जो है वो प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट है और माइनस साइन क्यों है क्योंकि डीएन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं और एन क्या है जो मॉलिक्यूल कोलिजन लेस है यानी जब कोलिजन हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल में कोलिजन नहीं होगा वो कम हो जाएंगे ना तो कोलिजन लेस मॉलिक्यूल एन है इसीलिए डी एन में नेगेटिव साइन लिया है जो इंडिकेट कर रहा है कि कोलिजन के बाद कोलिजन लेस मॉलिक्यूल कम हो जा रहे हैं यहां से इसको रीअरेंज कर लीजिए डीएन ऑपन एन इज इक्वल टू माइनस पीसी डीएक्स यहां से अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे वेन डी एक्स इज इक्वल टू वन यहां से हम लोग पीसी को लिख सकते हैं डी एन अपन एन डी एन क्या है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइडेड राइट विद अदर मॉलिक्यूल इन यूनिट इंटरवल डीएक्स क्योंकि वन हो गया है डिवाइडेड बाई एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स डी एन अपन एन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इन यूनिट डिस्टेंस ठीक है तो यही पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एन नॉट टू एन एक्स वेरी करेगा फ्रॉम जीरो से इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एन एन है एन नॉट ई टू दी पावर माइनस पी सी एक्स और इसको हम लोग बोलेंगे सरवाइवल इक्वेशन मतलब अगर हमें पी सी पता है तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितने मॉलिक्यूल अभी भी कोलिजन लेस है कितने मॉलिक्यूल अभी भी बचे हुए हैं कोलिजन से इसीलिए ये सर्वाइवल इक्वेशन है क्योंकि वो सर्वाइव कर गए हैं एक्स डिस्टेंस और अभी भी वो कोलिजन लेस है ठीक है कोलिजन नहीं हुआ अब ये दोनों कंसेप्ट को कंबाइन कर लेते हैं डीएन हमें पता है एन हमें पता है इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं डीएन इक्व टू तो माइनस पीसी एन नॉट ई टू पी सी एक्स डी एक्स ठीक है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है इसका मैग्नीट्यूड होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ फ्री पाथ बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डीए फ्री पाथ का हमने कंसेप्ट देखा है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन और क्या है ये वो मॉलिक्यूल है जो एक्स डिस्टेंस मूव करने के बाद कोलिजन तो नहीं किए थे लेकिन फर्दर डीएक्स ट्रेवल करने के बाद कोलिजन हो गया था मतलब इनका जो पाथ है वो एक्स और एक्स प्लस डीएक्स के बीच में है ओके okay, क्योंकि एक्स तो ये मूव कर चुके हैं विदाउट कोलिजन और फर्दर डीएक्स ट्रेवल करने के बाद कोलिजन हो चुका था तो इनका जो टोटल पाथ होगा वो एक्स और एक्स प्लस डीएक्स के बीच में होगा तो यहां से अब हम लोग मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं सपोज कीजिए कि डी एन वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फ्री पाथ है एक्स डी एन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्री पाथ है एक्स टू डी एन थ्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पाथ है एक्स थ्री तो टोटल पाथ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हो गया हमारा मीन फ्री पाथ तो इस समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्स डी एन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एन डी एन के वैल्यू को सब्सटी कर दीजिए और ये जो नीचे का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑवर डीएन ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एन नॉट और ऊपर वाले इंटीग्रेशन में डीएन को सब्सटी कर दीजिए तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया है इसको सॉल्व कीजिए तो एन नॉट एन नॉट कट जाएगा पीसी जो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स इंटू दाइनस पीसी एक्स डी एक्स इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं गामा फंक्शन की सहायता से तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन पी सी होल स्क्वायर इंटू गामा टू गामा टू की वैल्यू होती है वन तो ये हो गया वन अपॉन पी सी यानी पी सी जो है वो हो गया वन अपॉन लैम्डा यानी कोलिजन प्रोबेबिलिटी जो है वो है इनवर्स ऑफ मीन फ्री पाथ या फिर मीन फ्री पाथ जो है इनवर्स ऑफ कोलिजन प्रोबेबिलिटी तो अगर आपको मीन फ्री पाथ पता है तो आप कोलिजन प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं अगर आपको कोलिजन प्रोबेबिलिटी पता है तो आप मीन फ्री पाथ भी पता लगा सकते हैं तो अब हमें तीन चीज मिल चुका है Dn, एन एन पी सी तो हम लोग यहां से चाहे तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो ये जो ग्राफ है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो सर्वाइविंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोलिजन से सर्वाइव कर गए हैं वो कैसे डिक्रीज कर रहे हैं ओके सिंपली ये फंक्शन का ये प्लॉट है और अगर डीएन को प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ओके हम लोग से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स बचे हुए ओके? अब हमें को करने के लिए हम लोग एक एजम्सन करते हैं ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एजम्सन है बट एज्यूम करते हैं कि किसी भी एक टाइम पे ना गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं सबके सब रेस्ट स्टेट में सिर्फ एक को छोड़ मतलब एक मूविंग है बाकी सब रेस्ट में अब ये अनरियलिस्टिक एजम्सन है फिर भी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आता है वो काफी क्लोज होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के तो ये पहले निकाल लेते हैं फिर इसके ऊपर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके और एकट वैल्यू को हम लोग निकाल सकते सपोज कीजिए कि, कि जो मूविंग मॉलिक्यूल है उसकी एवरेज वेलोसिटी सी बार है और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमीटर है सिग्मा ओके तो जब भी कोलिजन होगा तो उस केस में क्या होगा जब दो मॉलिक्यूल एकदम आपस में टच करेंगे तभी कोलिजन होगा इसका मतलब कोलिजन के केस में जो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा दो मॉलिक्यूल्स का वो हो जाएगा सिग्मा दैट इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ओके अब यहाँ और एक एरिया को देखते हैं ये जो डॉटेड लाइन से जो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है ये एरिया क्या हो जाएगा ये वो एरिया होगा जब भी दो मॉलिक्यूल्स का सेंटर इस एरिया में आएगा वो कोलाइड करेंगे राइट क्योंकि देख लीजिए अगर ये सर्कल को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी मॉलिक्यूल जिसका सेंटर इस एरिया के बाहर होगा वो इस मॉलिक्यूल से टकरा नहीं पाएगा और जब भी उसका सेंटर ये डॉटेड लाइन का जो सर्कल है उसके अंदर होगा तब भी वो इससे टकराएगा दैट मीन्स ये जो बड़ा सा एरिया है ये है कोलिजन क्रॉस सेक्शन और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर क्योंकि ये बड़ा सा एरिया का रेडियस है सिग्मा तो इसका एरिया हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर ठीक है चूंकि एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो ये एरिया ऑफ कोलिजन क्रॉस सेक्शन है सम्पोज कीजिए कि वर्चुअली इसके साथ ही मूव करेगा राइट क्योंकि यही मूव कर रहा है तो उसके एरिया के जब अराउंड में कोई मॉलिक्यूल आएगा तभी कोलिजन पॉसिबल है तो हम लोग ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो है वो इसके साथ मूव कर रहा है ठीक है इन टाइम टी ये जो मॉलिक्यूल होगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कवर करेगा सी बार टी क्योंकि सी बार उसकी एवरेज वेलोसिटी है और ये जिग जैग मैनर में होगा जिग जैग मैनर क्यों क्योंकि जब भी ये कोलाइड करेगा ये दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा तो डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम में सी बार टी और जिग जैग मैनर में होगा और जब ये मूव करेगा तो ये जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या करेगा एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम स्वीप आउट करेगा ना जैसे ये मूव करेगा तो जो ये वर्चुअल कोलिजन क्रॉस सेक्शन है वो इसके साथ मूव करेगा राइट right? और जब भी वो मूव करेगा एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बनाएगा इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं राइट right? कि जब भी ये मूव करेगा तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन भी मूव कर रहा है इसका मतलब कोई एक डिस्टेंस स्वाइप आउट कर रहा है तो वो एक सिलेंडर की तरह हो जाएगा देन कोलिजन होगा तो दूसरे डायरेक्शन में सिलेंडर बनाएगा सो so अल्टीमेटली वो सबको हम ऐड करके एक नॉर्मल सिलेंडर को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं राइट right? और वो जो सिलेंडर होगा उसका लेंथ हो जाएगा सी टी क्योंकि यही मॉलिक्यूल जितना मूव करेगा उतना लंबा सिलेंडर होगा और जो एरिया हो जाएगा उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या हो जाएगा कोलिजन क्रॉस सेक्शन तो यहां से हम लोग क्या गेस कर सकते हैं हम लोग गेस यही कर सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल इस सिलेंडर में होगा जो भी मॉलिक्यूल जिनका सेंटर इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में होगा वही कोलाइड करेगा राइट right? क्योंकि वो कोलिजन क्रॉस सेक्शन के अंडर में आएंगे जो भी मॉलिक्यूल जिसका सेंटर इस सिलेंडर से बाहर होगा वो कोलिजन क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगा तो उससे कोलिजन पॉसिबल नहीं है तो मूविंग मॉलिक्यूल कोलाइड विद ऑल मॉलिक्यूल ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा कोलिजन लेंथ रो सी लेन रोसी तो नंबर ऑफ मॉलिकुलर डेंसिटी है, वो है volume, तो हमें तो हम मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही कोलिजन हुआ होगा सो नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगा इन टाइम टी एन रोसी बार और कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम यानी इसको टी से डिवाइड कर देंगे एन रो सी बार ठीक है तो अब हमें सब कुछ मिल चुका है अब हम यहाँ से सिंपली मीन पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं मीन पाथ क्या होता है, कवर्ड इन बार इन तो कवर है सी बाई टी नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम टी हमें मिल चुका है एन रो सी बार टी यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा लैमडा इक्वल टू वन रो एन यानी पाई सिग्मा एन। तो सिग्मा हमें पता है ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है एन हमें पता है मोलिकुलर डेंसिटी है तो ये दोनों गैस की प्रॉपर्टी है तो अगर हमें ये पता है तो हम लोग मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज करके ठीक है अब ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगाया है मीन फ्री पाथ का उसमें हमने कंसिडर किया था कि सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में है एक्सेप्ट वन बट ये काफी अनरियलिस्टिक है तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल के मोशन को कंसीडर करेंगे तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा और उस चेंज को ये फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं तो ये है क्लॉसियस एक्सप्रेशन इसमें क्या है ये वाले फॉर्मूला को डिराइव करते वक्त ये एज्यूम किया गया था कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में है बट एज्यूम किया गया था कि सबके वेलोसिटी जो है वो सेम है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया ये आया था थ्री अपन फोर फाइव सिकमा स्क्वायर एन यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर ऑफ लैम्डा जो है ऑर्डर ऑफ मीन फ्री पाथ वो सेम है एक छोटा सा फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है अगेन एक और फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का जो मैक्सवेल एक्सप्रेशन है इसमें मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर किया गया था ये लैम्डा निकालने में ये एक्सप्रेशन है अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर यहां भी देखिए तो ये तीनों एक्सप्रेशन में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वन अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर एन बस एक छोटा छोटा फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था जब हमने कंसिडर किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल मूविंग नहीं है तो फैक्टर था वन जब एज्यूम किया गया था कि सभी मॉलिक्यूल्स मूविंग है डिस्ट्रीब्यूशन तो लॉ को फॉलो करते हुए सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो जो लैम्डा में फैक्टर आया था वो आया था वन अपॉन रूट टू तो बस आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और नए कंसेप्ट के साथ जो इस लेक्चर सीरीज को और आगे ले जाएगा थैंक यू